Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला नहीं, फार्मूले, यानी फार्मूला का प्लूरल वर्ड है फार्मूले। लास्ट में ए ई आ जाता है एक के साथ ही, तो प्लूरल्स बहुत सारे फार्मूले हैं फार्मूले। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो करा रहे हैं आपको, वो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, ये टॉपिक है। देखें, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, या तो सम आएगा या डिफरेंस, यानी प्रोडक्ट दिए हों और उसमें भी कितने हैं, हमारे पास चार पेयर हैं, तो प्रोडक्ट में दो को साइंस होंगे, दो साइन होंगे, या एक को साइन एक साइन, और कन्वर्ट होगा इनटू सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइंस में। तो देखो कैसे ही आ रहा है। तो जो आपने फार्मूले मैंने आपको डेराइव कराए, ये है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे स्टूडेंट साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर कॉस ए माइनस बी कॉस ए बी प्लस साइन ए साइन बी। ये जो चार फार्मूले हैं ये डेराइव कराए थे मैंने आपको। अब इन्हीं से देखो कैसे निकलता प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस में। तो देखें, सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पे ये दो फार्मूले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ऐड। अगर इनको हम ऐड करते हैं रिजल्ट को, तो देखो क्या आएगा हमारे पास ऐड करने पर ये आता है। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये देखो रिजल्ट क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और स्टूडेंट देखें कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे टू साइन ए कॉस बी, ये आपके सामने एक रिजल्ट आ गया सम का। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, ऐड किया दिस प्लस दिस, ये हो गया ए कैंसिल टू साइन ए कॉस बी, ये बन गया। ये आपका जो मेन फार्मूला हुआ ये वन फार्मूला हुआ फर्स्ट। अब इसी में अब हम यहाँ पर देखो इसका लेते हैं डिफरेंस, ठीक है, वहाँ ऐड किया, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को, इसी को, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, देखो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस स्टूडेंट, तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये जब ऐड करेंगे तो ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इन दोनों को ऐड करेंगे कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, तो बन जाएगा टू कॉस ए साइन बी। अब इसी में हम थर्ड में आते हैं, देखें स्टूडेंट थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या हमारे पास, थर्ड जो है ये फार्मूला बनेगा, इसमें भी हम एडिशन करते हैं ऐड, यानी प्लस ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस साइन है साइन भी, प्लस माइनस है स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये बन जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। इसी में स्टूडेंट हम देखते हैं अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं इसी को, तो ये फोर्थ फार्मूला बन जाएगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस प्लस का ये माइनस, फिर प्लस का माइनस। अब देखें ये दोनों कट गए प्लस माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस बी हमारे पास, और माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टू साइन ए साइन बी। अब स्टूडेंट मज़ेदार देखते हैं आप यहाँ पे चीज़ निकल के आई हमारे सामने, ये जो फार्मूला है एक दो तीन चार,
यह प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, तो देखें यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट से सम आ रहा है और डिफरेंस, ठीक है, ये सम है, ये डिफरेंस है, ये सम है, ये डिफरेंस है, तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया सम में और डिफरेंस में, ये भी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट सम और डिफरेंस। तो इस फार्मूले को मैं और ठीक करके कैसे लिख सकता हूँ, देखें यहाँ पर इस तरह ले आता हूँ मैं, ये बन गया हमारे पास सबसे पहले 2 sin A cos B, ये बन गया sin A+B + sin A-B। इसी के साथ स्टूडेंट हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया sin A+, ये बन गया 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, ये रिज़ल्ट आ गया sin A+B - sin A-B। इसी तरह से स्टूडेंट जो थर्ड नंबर पे आ गया हमारे पास, तो थर्ड नंबर पे है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, ये बन गया cos A+B + cos A-B। जो फोर्थ नंबर पे फार्मूला है स्टूडेंट, वो हमारे पास बना cos 2 sin A sin B - 2 sin A sin B = cos A+B - cos A-B। तो स्टूडेंट आप देखें, ये जो मैंने एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन आपको बताया है, यहाँ देख लें इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको दोनों को ऐड किया तो रिज़ल्ट आया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिज़ल्ट आया, फिर कॉस फार्मूला को ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बने उन्हीं फार्मूलों से। अब यहाँ आ जाएं कैसे इस ट्रिक को याद करना है, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया है, ये टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, यानी ये देखें ये प्रोडक्ट है सम और ये प्रोडक्ट है डिफरेंस आया, फिर ये प्रोडक्ट है सम और ये प्रोडक्ट है डिफरेंस में आ गया, यानी आपको जो कन्वर्जन है स्टूडेंट वो 4 सेट बने हैं, तो उसमें है जो कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म 2 sines और 2 cosines और 1 sine और 1 cosines इनटू सम और डिफरेंस ऑफ 2 sines and 2 cosines, ये कह सकते हैं हम। देखो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये साइन है कॉस है, ये कॉस है साइन है, यानी एक साइन है तो दूसरा कॉस है, एक कॉस है तो एक साइन है, या दोनों कॉस या दोनों साइन। तो अब देखें जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक साइन है एक कॉस है तो, या एक कॉस एक साइन, तो साइन ही आएगा, पहले साइन है तो बीच में प्लस और पहले कॉस है तो बीच में माइनस, बट दोनों ही पेयर साइन के होंगे। इसमें देखें दोनों कॉस हैं तो बीच में प्लस और दोनों कॉस होंगे, और दोनों साइन हैं तो बीच में माइनस और दोनों ही कॉस होंगे, यानी जब दोनों सेम हो, या तो दोनों कॉस हों दोनों साइन हों, तो यहाँ पर बहुत कॉस आएंगे, लेकिन हमारे पास अगर कॉस है तो प्लस, साइन है तो माइनस, और पहले साइन और बाद में कॉस आ रहे हैं तो प्लस आ गया, पहले कॉस बाद में साइन माइनस, और दोनों ही साइन रहेंगे। तो याद करने का तरीका हो गया, और टू तो सभी में आ रहा है और दोनों साइन में आगे माइनस होता है, तो और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin A sin B cos A+B - cos B - A। आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको अगर माइनस उधर ले जाएं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos A - B + cos A+B। अगर उधर से माइनस ले जाएं, इधर कर दें तो पहले माइनस बाद में प्लस हो जाएगा। तो आप इस तरह से याद रखो चाहे ऐसे, तो स्टूडेंट जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस तरह से आप करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब मैं इनके ऊपर आपको इसका इम्प्लीमेंट कैसे क्वेश्चंस में होगा
वो बता के फिर मैं सी डी फार्मूले पर आऊँगा कि इसमें सी डी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि इनका पहले इम्प्लीमेंट सीख लें स्टूडेंट। आई थिंक ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग दीज सेट ऑफ फोर फार्मूलाज हैज़ बिन क्लियर इन योर माइंड। और जब क्लियर हो गया तो स्टूडेंट आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आसानी से आपको समझ आएगा। अब क्वेश्चन देता हूँ, किस तरह से फार्मूलों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ गया, 2 sin 5x cos x sin 6x + sin 4x, ये प्रूव करके लाना है हमें। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, जो है ये प्रोडक्ट है, सम डिफरेंस में लाना है। तो फार्मूला क्या बताया था, अगर एक साइन एक कॉस हो तो दोनों साइन आते हैं, बीच में सम आता है। पहले कॉस हो बाद में साइन हो तो दोनों साइन होते हैं, बीच में डिफरेंस आता है। तो फार्मूला देखो ये है, 2 sin a cos b sin a + b + sin a - b। इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 sin ये a हो गया और ये b, तो 5x + x हमारे पास यहाँ पे आएगा, sin a + b होगा। 2 sin a cos b क्या होता है, sin a + b sin a - b, तो बन जाएगा sin a + b + sin a - b, 5x - x। तो ये बन गया हमारे पास sin 6x + sin 4x, ये राइट हैंड साइड आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखें इसके बाद स्टूडेंट, देखें ये एक जनरल एग्जांपल 2 है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं है, केवल फार्मूलों का इम्प्लीमेंट समझा रहा हूँ। अब यहाँ देखो, 2 cos a cos b यानी प्रोडक्ट है, इनटू सम डिफरेंस में करना है। तो जब दोनों कॉस आ जाएँ या दोनों साइन आए, उस केस में कॉस होता है। अगर दोनों कॉस हों तो बीच में दोनों कॉस प्लस होता है, और दोनों साइन आने पर बीच में माइनस आता है। तो ये दोनों कॉस आ रहे हैं देखो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, इसका फार्मूला देखो ये होता है, 2 cos a cos b = cos a + b + cos a - b। ये फार्मूला स्टूडेंट मैंने बताया, ठीक है, 2 cos a cos b cos a + b cos a - b। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा cos 4x + 3x, ठीक है, + cos 4x - 3x, ये बन गया cos 7x + cos x, ये राइट हैंड आ गया स्टूडेंट। देखें ये आंसर आ गया, यानी हमें प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब स्टूडेंट इसके बाद और देखें, एक थर्ड एग्जांपल, ये दोनों साइन है, जब दोनों साइन आते हैं तो क्या बनता है फार्मूला हमारे पास, हम लिखेंगे 2 sin a sin b, ये होता है हमारे पास cos a + b - cos a - b। तब स्टूडेंट यहाँ माइनस होता है, अगर इसी को मैं ऐसे कह दूँ 2 sin a sin b, तो ये लिखेंगे cos a - b - cos a + b। अगर इधर से माइनस हटाना है तो उधर पहले डिफरेंस करेंगे, बाद में सम करेंगे, और बीच में डिफरेंस ही आएगा साइन के केस में। तो देखें यहाँ दोनों साइन है तो बीच में तो डिफरेंस आएगा, लेकिन आगे माइनस नहीं है, इसलिए cos a - b पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें हम करेंगे, अगर माइनस होता तो हम पहले प्लस बाद में माइनस करते। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने 2 sin 3x sin x, तो ये बन जाएगा हमारे पास cos a - b - cos a + b, तो ये बन गया cos 2x - cos 4x, ये राइट हैंड साइड स्टूडेंट आ गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ स्टूडेंट, देखें स्टूडेंट देखें, अब फिर ये प्रोडक्ट है, सम डिफरेंस में ये प्रूव करके लाना है। LHS हमने लिख दिया, LHS क्या है, sin 75° cos 15। अब देखो एक साइन एक कॉस हो तो फार्मूला क्या था स्टूडेंट, ये था हमारे पास 2 sin a cos b = sin a + b + sin
ए माइनस बी। स्टूडेंट ये फार्मूला है, लेकिन टू साथ में होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे टू नहीं है, अब टू नहीं है तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करें इस फार्मूले का, वो देखो आप। तो इसमें हम क्या करेंगे, टू साइन 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री और 1/2। हमने देखो टू से प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा स्टूडेंट। लेकिन हमारा उससे एक बहुत काम आसान हो गया, हमारे पास फार्मूला बन गया ये प्रोडक्ट का टू के साथ। तो टू साइन ए कॉस भी क्या होता है, एक साइन ए कॉस हो तो दोनों साइन आते हैं, बीच में एडिशन, तो ये बाहर क्या बन जाएगा, हाफ साइन ए प्लस बी यानी 75 प्लस 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये बन गया स्टूडेंट। अब देखेंगे हाफ साइन ये 90 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये देखें हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको टेक्निक यूज़ करना है। अब एक और देखें, हमारे पास दोनों कॉस हैं, तो अब देखो अगर दोनों कॉस दोनों साइन हो तो कॉस ही आता है, और दोनों कॉस हो तो सम, और दोनों साइन हो तो बीच में डिफरेंस होगा और आगे माइनस लग जाता। तो देखें हमारे पास हमने LHS ले लिया स्टूडेंट, कॉस 75 कॉस 15, तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे हम, बिकॉज टू कॉस ए कॉस बी, ये था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला था स्टूडेंट। तो आप देखो क्या करेंगे हम, इसको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देंगे, कॉस 75 कॉस 15 डिग्री, ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, टू कॉस ए कॉस बी तो बन जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर यहाँ पे प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, ये स्टूडेंट बन गया हमारे पास हाफ कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, देखें ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट आपने क्या सीखा इनसे फार्मूले का, आप देखें जरा फार्मूले पे फिर से ब्रीफ करें स्टूडेंट। देखें यहाँ पे प्रोडक्ट है, करा प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, तो ये सारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, केवल साइन और कॉस हैं। यहाँ पे अल्टर में एक साइन एक कॉस है, फिर एक पहले कॉस फिर साइन, इसमें दोनों कॉस दोनों साइन है, ये एक्स्ट्रा बताया कि उसको अल्टर करके कर सकते हैं। तो इन चार फार्मूलों में अगर अल्टर में एक साइन एक कॉस हो तो देखो दोनों साइन आ, पहले साइन है तो प्लस, अब पहले कॉस है तो माइनस होता है, और दोनों कॉस दोनों साइन हो तो स्टूडेंट क्या आता है, दोनों ही कॉस आते हैं, लेकिन दोनों कॉस होने पे बीच में प्लस और दोनों साइन होने पे बीच में माइनस, और इधर आगे माइनस होता है, टू टू सभी के साथ है प्रोडक्ट के साथ। अगर हमें इसे प्लस करना है स्टूडेंट तो माइनस पहले आ जाएगा, ये प्लस वाला बाद में, क्योंकि साइन इधर चेंज हो जाएंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको देखो याद रखना है कि कोई भी साइन और कॉस में प्रोडक्ट आता है तो हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे सम एंड डिफरेंस में, तो ट्रिक दिमाग में बिठानी है, रटना नहीं है, रटा हुआ तो भूल जाएगा, दो महीने बाद 10 दिन बाद दिमाग से स्लिप कर जाएगा, लेकिन ट्रिक से आप पकड़ के रखोगे, जैसे चेन होती है समुद्र में गिरी और आपने एक दाना पकड़ लिया, खींच के सारे निकाल सकते हैं। सिमिलरली यू कैन डू दिस, आपको एक सिरा मिल गया, आप देख रहे हो एक फार्मूले से कितना डेराइव किया आपने, किया था एक फार्मूला किया था कॉस ए माइनस बी, उसी से सारे निकलते जा रहे हैं, पहले भी आपने डेराइव किया, कोई रटा नहीं। तो इस तरह से आप टिप्स पे रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और स्ट्राइक करेगा आपका दिमाग कि ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ डिफरेंट इसके। हाँ स्टूडेंट देखें, अब आपको ये NCERT का मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी तरह से किस तरह से प्रोडक्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सम एंड डिफरेंस में। तो ये देखो प्रोडक्ट है, ये सब को ला के जीरो लाना है, तो प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर देंगे सम एंड डिफरेंस में, जब सम डिफरेंस में आएंगे तो कुछ प्लस माइनस होगा, कट कर जीरो आ जाएगा, तो आपको अपने आप समझ आएगा कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आपने देखो यहाँ पे हमने LHS लिया स्टूडेंट, 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, दोनों कॉस हैं और ये भी कॉस हैं, आंसर जीरो लाना है,
तो प्रोडक्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सम एंड डिफरेंस में। तो ये फार्मूला है, देखो स्टूडेंट हमारे पास 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B क्या होता है, दोनों अगर cos हो cos होता है और प्लस हो जाएगा cos A plus B प्लस cos A minus B। तो देखो ये आ गया 2 cos A cos B cos A plus B प्लस cos A minus B। ये फार्मूला आपने यूज़ करना, प्रोडक्ट है सम डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो इस प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos A plus B और फिर प्लस cos A minus B, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास। और प्लस cos 3π/13 cos 5π/13, ये एज इट इज आ गया। अब देखो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब इसके बाद हम इसमें इसको खोलते हैं, 2 cos 13 LCM 9 और 1 10π/13, फिर cos LCM तो पाई में से 9 गए -8π/13, फिर cos 3π/13, फिर cos 5π/13, ये आ गया स्टूडेंट। और cos माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, प्लस थीटा होता है, ये आपको पता ही है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो क्या हुआ, 2 cos 10π/13 cos 8π/13, ये प्लस हो गया, फिर cos 3π/13 फिर cos 5π/13। अब स्टूडेंट देखते हैं ये सारे प्लस हैं तो कैंसिल तो नहीं होंगे, अब हमें किसी तरीके से इसमें माइनस लाना होगा, और वो भी देखें यहाँ 3π है और 5, यहाँ तो 10 और 8 है, वो भी एंगल भी डिफरेंट है, एंगल भी सेम होने चाहिए। हम क्या करते हैं, 13 में से 10 माइनस करें 3 आ जाएगा ना, तो हम देखो कैसे ब्रेकअप कर रहे हैं, 2 cos हम लिखेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारे पाई माइनस 3π/13। अब स्टूडेंट देखेंगे हमने क्या किया, 13 में से 10 माइनस किया 3 ऊपर लिख दिया, अब देखो LCM लेंगे तो 13π, ये 13π माइनस 3π अपॉन 13, तो ये बन जाएगा 10π/13। तो हम 10π/13 को ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी LCM लेंगे बाय 1 करके तो 13π-3π ये हो जाएगा और वो 10π/13। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके तोड़ सकते हैं। और फिर इसको कैसे तोड़ेंगे, हमें यहाँ 5 है तो 13 में से 8 माइनस करो 5 नहीं होता, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पाई माइनस 13 में से 8 गया 5π/13। अब देखो LCM लो, 13π 13 में से 5 गए 8π/13 नहीं आ जाएगा, यानी जैसे π-5π/13 LCM लेंगे 13 13π-5π, तो ये आ गया 8π/13। तो वही सेम आ गया स्टूडेंट, वी कैन कन्वर्ट इन दिस वे। हमने यहाँ देखा ना क्या है हमारे पास, फिर cos 3π/13 cos 5π/13। अब cos 180 स्टूडेंट, 180 क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सिस में कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये 180 प्लस या माइनस हॉरिजेंटल पे है ना, और 360 प्लस माइनस वैल्यू चेंज होती है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट। तो देखो ये पाई है तो चेंज नहीं होगा, ये आएगा cos 3π/13। बस हमें क्वाड्रेंट देखना है, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस माइनस ऊपर चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, ये ना साइन है ना कॉसेक, तो ये नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। यहाँ देखें जब हमने ये लगा दिया तो ये 2 यहाँ से स्टूडेंट हट जाता है, ये फार्मूले में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जब ये 2 cos A cos B है, जब फार्मूला खुला तो cos A plus B प्लस cos A minus B हो गया, cos A plus B cos A minus B, तो ये 2 नहीं, 2 लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि फार्मूले में है देखो 2 cos A cos B, तो cos A plus B cos A minus B 2 हट जाता है, तो यहाँ 2 नहीं है ना, तो यहाँ पे भी हम 2 cos A cos B लिखेंगे, तो cos A plus B plus cos A minus B ये एज इट इज़ था, इनको ऐड कर दिया, इनको भी ऐड कर दिया, cos माइनस थीटा प्लस हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ सेम 3/13 है, तो 13 में से 10 गया 3π/13,
फिर ये 8 है तो 13, तो इसको पाई माइनस फाइव बाई 13 कर दिया, जैसे बनेंगे सेम। अब ये कॉस देखते हैं, कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये बनेगा माइनस कॉस थीटा, 2 नहीं आएगा। और ये भी कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वही सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस 5 पाई बाई 13, ये हो गया कॉस 3 पाई बाई 13, इधर प्लस कॉस हमारे पास क्या है 3 पाई बाई 13, फिर कॉस 5 पाई बाई 13। अब स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये कट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, जीरो आ गया राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। और आगे ये सब फार्मूले आपने फिर पढ़े थे ब्रेकअप के, जब वैल्यू निकाला था तो वो भी यूज़ करके आपने इसको प्रूव कर दिया। मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, और देखो इस फार्मूले से आपने कर लिया। अब मैं टाइप, अभी जो तुम आपको बताए थे तो एनसीईआरटी का है, इसके पहले जो 5 क्वेश्चन बताए थे वो टाइप ए है। अब इसमें एक टाइप बी और बता देता हूँ, उसमें भी आपको मैं 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चंस, जिसमें आपको और अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे सी डी फार्मूले में। हाँ स्टूडेंट देखें, अभी मैंने पहले आपको जनरल क्वेश्चन 5 कराए, फिर एक एनसीईआरटी का कराया 6, अब मैं 4 क्वेश्चन और करा रहा हूँ टाइप बी में, तब ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके स्कूल में आते हैं आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, ओलंपियाड में, यू कैन डू इजीली। देखें स्टूडेंट, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80, ये भी तो प्रोडक्ट हैं। अब इनको सम डिफरेंस में कन्वर्ट करके वैल्यू लाना है। केवल इसमें देखें, आपको कॉस 60 की वैल्यू नोन है स्टूडेंट, आपको 60 की वैल्यू नोन है और कुछ भी नोन नहीं है। तो आप ये पेयर ले लें पहले, इनका भी टोटल कितना होता है 60 और डिफरेंस 20 होता है, तो फिर एक और वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉस ए कॉस बी। तो देखें यहाँ पर क्या है, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है, किसके इक्वल है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं बिकॉज 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया कॉस, इसको पहले लिख दो कॉस 40 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, और ये कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। ये क्वेश्चन आया, अभी हमने केवल इस कॉस ए कॉस बी को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया स्टूडेंट। ऐसा इसलिए किया कि हमारे पास ये फार्मूला जो है वो डायरेक्टली बन जाए और हम यूज़ कर सकें। तो देखें हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसके अकॉर्डिंग 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है। आप देखते हैं इजीली स्टूडेंट, हाफ लिखा हमने कॉस ए प्लस बी 40 20, और फिर प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और इनटू कॉस 60 क्या होता है स्टूडेंट, कॉस 60 होता है हाफ, और ये कॉस 80 डिग्री। अब देखते हैं हाफ और हाफ प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट, बन गया 1/4, और ये आ गया कॉस 60 डिग्री, फिर कॉस 20 डिग्री, 40 माइनस 20 क्या बन गया 20 डिग्री, और ये बन गया कॉस 80 डिग्री, हाफ इंटू हाफ 1/4 हो गया। फिर स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास ये 60 डिग्री है, कॉस 60 हाफ होता है, आप रीजन लिख सकते हैं बिकॉज कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हाफ, ये हमें नॉन वैल्यू है यूज़ कर दिया। फिर कॉस 20 डिग्री स्टूडेंट और कॉस 80 डिग्री आ गया। अब देखो हम इस दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, 1/4 हाफ कॉस 80 डिग्री, फिर कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, इसको ब्रैकेट के अंदर ले गए स्टूडेंट, तो कॉस 80 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस 80 को इससे भी कर दिया हमने। तो अब देखो हमारे पास क्या बनता है रिज़ल्ट, हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है यह आएगा 1/4 हाफ कॉस 80 डिग्री, इसको भी हम क्या करेंगे,
बाहर हाफ से मल्टीप्लाई टू अंदर कर दें, कॉस 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री। स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, हमने अगेन कॉस ए कॉस भी कोई फार्मूला नहीं है, प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस करना है तो टू तो होना ही चाहिए ना, तो टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जैसे यहाँ किया था। तो देखें यही फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास 1/4 बाहर है, हाफ कॉस 80 डिग्री ठीक है, और हाफ टू कॉस ए कॉस बी क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, फिर प्लस कॉस 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और ये क्लोज हो गया ब्रैकेट स्टूडेंट। फिर देखते हैं जरा ब्रैकेट खोल दें तो क्या बन जाता है, 1/8 कॉस 80 डिग्री स्टूडेंट, और इससे मल्टीप्लाई कर दें 1/8 और कॉस 80 20 कॉस 100 डिग्री स्टूडेंट, और 80 माइनस 20 कॉस 60 डिग्री। फिर स्टूडेंट कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है तो क्या करेंगे हम, 1/8 कॉस 80 डिग्री, 1/8 कॉस 60 तो हाफ हो गया स्टूडेंट, बट इसका क्या करें, ये 100 तो टैली करता ही नहीं है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट कॉस 100 डिग्री प्लस हाफ, तो अब आपके सामने देखो क्या समस्या आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास। देखें ये अगेन आ गया हमारे पास 1/80 कॉस 80 डिग्री प्लस 1/8 कॉस 100 डिग्री, और 1/8 इंटू 1/2 16। अब देखते हैं कैंसिल होगा तभी तो 1/16 स्टूडेंट आंसर आएगा, यानी कैंसिल होना चाहिए। अब कैंसिल होने के लिए दोनों सेम और अपोजिट साइन होने चाहिए, तो आप देखो यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं, 1/8 1/8 इनमें से कॉमन बाहर निकाल लो, यहाँ कॉस 80 हो गया स्टूडेंट, कॉस 100 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और प्लस 1/16 ये आ गया स्टूडेंट। देखें यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा इसको स्टेप में, 180 माइनस 80 100 होता है। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाता है स्टूडेंट, क्या होगा फार्मूला देखें, कॉस 80 डिग्री कॉस 180 माइनस थीटा, 180 पे हॉरिजेंटल है, वैल्यू चेंज होती कॉस का कॉस ही रहेगा कॉस 80 डिग्री, बट क्वाड्रेंट स्टूडेंट क्या, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें क्या होता है, ए एस एस मीन साइन कॉसिक पॉजिटिव, ना साइन है ना कॉसिक तो नेगेटिव हो गया, और प्लस 1/16। अब देखते हैं स्टूडेंट दोनों कैंसिल हो रहा है या नहीं, हमारे पास ये दोनों वैल्यू कॉस 80 प्लस का माइनस का कट गया, तो 1/8 इंटू 0 प्लस 1/16 और रिजल्ट 1/16 राइट हैंड साइड ये आ गया। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ दोबारा से, देखें मैंने बताया था प्रोडक्ट इंटू सम एंड डिफरेंस, तो जहाँ प्रोडक्ट आ जाए साइन कॉस कॉस साइन दोनों कॉस दोनों साइन, तो वहाँ पर ये फार्मूले यूज़ करने हैं, बस ये ध्यान रखना है अलग अलग, एक साइन एक कॉस आ रहा है तो दोनों साइन होंगे, पहले साइन है तो प्लस और पहले कॉस है तो बीच में माइनस होगा, बट दोनों साइन रहेंगे, लेकिन दोनों कॉस दोनों साइन है तो दोनों कॉस रहेंगे, दोनों कॉस में प्लस और दोनों साइन आएंगे तो बीच में माइनस होगा और आगे माइनस लगा होगा। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू में पता होती है, 80 ऐसे ही है, 20-40 ले लो क्योंकि इनका ऐड और डिफरेंस, ऐड करेंगे फिर 60 वैल्यू आ जाएगी, हमने करके 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 कॉस ए कॉस बी फार्मूला बना, तो एक कॉस ए प्लस बी फिर कॉस ए माइनस बी एज इट इज़ रखा, कॉस 60 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारे पास ये कॉस 60 कॉस 20 हाफ कॉस 80 हाफ इससे मल्टीप्लाई कर 1/4 हो गया, फिर कॉस 60 फिर डाल दिया कॉस 20 कॉस 80 है, अब स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई किया इसको इसको इससे कर दिया ये आ गया रिजल्ट। अब देखते हैं इसमें फिर फार्मूला बन जाएगा, अगर हम 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 कॉस ए कॉस बी फिर यही बनता है फार्मूला प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में, क्योंकि देखो ये प्रोडक्ट हैं तो सम डिफरेंस करेंगे कुछ काटेंगे तभी वैल्यू आएगी ये न्यूमेरिकल, तो वो हमें दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, प्रोडक्ट है 2 कॉस 2 साइन, 1 कॉस 1 साइन, 1 साइन 1 कॉस, तो लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे देखो 2 कॉस ए कॉस बी में कॉस ए प्लस बी फिर कॉस ए माइनस बी, ये 60 आ गया, ये 100 कॉस 60 की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं इन सबको खोल दे, ये रिजल्ट आ गया, ये तो 1/16, इसका मतलब ये कैंसिल होना चाहिए स्टूडेंट,
तो कैसे कैंसिल होगा, जब प्लस माइनस है तो 100 को चेंज कर सकते हैं, 180 माइनस 80 कर सकते हैं। अब 180 माइनस 80 मीन्स कॉस 180, 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉस का कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस वन नेगेटिव होता है, कट गया ये 0, 1/16। तो देखें कितने इजीली तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। हाँ स्टूडेंट देखें, टाइप बी में ये और एक क्वेश्चन है, इसके बाद दो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70, 1/16 लेफ्ट साइड ले लिया हमने। साइन 30 तो नोन होता है, साइन 10, 50, 70 हमें नहीं पता है। तो अब देखो प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो देखो ये कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे दोनों साइन है तो ये आपका लगेगा, लेकिन आगे माइनस है, वहाँ माइनस तो नहीं है स्टूडेंट, तो आप ये वाला लगा दो। यानी अगर प्लस करना है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। अगर आगे माइनस होता है तो फिर पहले प्लस फिर बाद में माइनस होता, तो इसका मतलब अगर हमारे पास आता है, देखें यहाँ पर करके 2 साइन ए साइन बी, तो हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी प्लस बीच में माइनस होगा कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला हो गया। अगर आगे माइनस होता तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता। तो स्टूडेंट ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, और साइन 30 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री होती है हाफ, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं क्वेश्चंस में, हमने क्या किया, 2 तो नहीं था हमारे पास इसमें, जब 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, साइन 30 देखो क्या होता है हाफ, ये कर दिया। और इस फार्मूले में हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 2 यहाँ पे कर दें, देखें ये साइन 30 तो हाफ है स्टूडेंट, इसका एक हाफ और कर दिया हमने, ठीक है। या ऐसे रखो पहले, आप एक क्लियर हो जाए आपको दिक्कत ना हो, साइन 30 हाफ और 2 इंटू साइन 10, ठीक है, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गए, वही आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। अब देखते हैं साइन 30 क्या होता है स्टूडेंट, हाफ, ये हाफ एक और है हमारे पास, और 2 साइन 10 साइन 50, ये फार्मूला हमारे पास लग गया, क्या होता है 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी, आप ए इसको मान लें बी इसको मान लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले 50 रख लें, यानी आप यहाँ पे पहले 50 रख लें और बाद में 10 रखें तो भी कोई फ़र्क नहीं, पहले कर लें तो भी फ़र्क नहीं, एक लाइन का एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमने कहा साइन ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री और इनटू बाहर साइन 70 डिग्री। देखें स्टूडेंट 1/4 तो बाहर है, कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और बाहर है साइन 70 डिग्री। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको आगे हमें सॉल्व करना है, तो बाहर है 1/4 कॉस 40, कॉस 60 कितना होता है हमारे पास, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, जैसे साइन 30 हाफ है तो हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री हाफ होता है ये भी, तो यहाँ पे आ गया हाफ, बाहर साइन 70 डिग्री। फिर स्टूडेंट हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या आएगा ये साइन 70 मल्टीप्लाई होकर आएगा साइन 70 इंटू कॉस 40 डिग्री, ठीक है, माइनस हाफ इंटू साइन 70 डिग्री। अब देखते हैं इसमें स्टूडेंट हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री माइनस हाफ साइन 70। अब देख रहे हैं इसमें क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला बन गया, तो 2 साइन यहाँ पे देखें 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है स्टूडेंट, पहले साइन हो बाद में कॉस हो तो क्या बन जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। तो देखें स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया, 1/4 1/2 2 साइन ए कॉस बी में फार्मूला लगा रहे हैं तो क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस हाफ साइन
70 डिग्री। अब इसके बाद स्टूडेंट 1 बाई 4, 1 बाई 2, साइन 70, 40 कितना हुआ? ये हुआ साइन 110 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री माइनस हाफ साइन 70 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट है 1 बाई 4, अब साइन 110 है तो 110 को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो 1 बाई 2 साइन 110 को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 70, 110 होता है ना, और साइन 30 क्या हुआ, हाफ, फिर माइनस हाफ साइन 70। उसको इसीलिए ब्रेक किया हमने, ये तो वैल्यू आ जाएगी, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसको चेंज कर दो ताकि सेम आ जाए। तो 110 है तो 180 में से 70 माइनस करो 110। तो देखते हैं स्टूडेंट 1 बाई 4 हमारे पास साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 में देखो वैल्यू चेंज होती, साइन का साइन रहेगा 70 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस हाफ माइनस हाफ साइन 70 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये जो है, जो वैल्यू आई है हमारे पास, एक चीज़ और देखना है यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे पास साइन 70 ये हमने देखो बनाया दोनों क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 हम चाहते तो कॉमन भी यहाँ ले लेते, कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो हम इस स्टेप में ही देखो कॉमन निकाल रहे हैं, बाहर निकाल लें, अगर कॉमन नहीं निकाल रहे हैं तो पड़ा रहेगा इसके साथ, देखो ये हाफ, ये ब्रैकेट ऐसे बंद हो जाएगा पूरा, ठीक है, इसी को ब्रेक किया हमने, ये पूरे को हाफ बाहर है, इसके साथ हाफ है, तो हमारे पास ये जो साइन 30 है, जब हाफ डाला तो ये आ गया ब्रैकेट, जब खोलेंगे यहाँ पे हाफ और हाफ है, हाफ इंटू दिस और हाफ इंटू दिस, तो ये 1 बाई 4 हो जाएगा स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखना आपने। अब देखते हैं हमारे पास प्लस माइनस में कौन सी वैल्यू कट रही है, ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया, बाहर 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 4, 1 बाई 16, राइट हैंड साइड स्टूडेंट देखें ये आ गया 1 बाई 16। तो मैं इस क्वेश्चन को देखें एक बार ज़रा ब्रीफ कर रहा हूँ, देखें आप ध्यान से, ये हमारे पास वैल्यू है बेटा, प्रोडक्ट है, साइन 30 पता है, बाकी नहीं पता, तो इनको इकट्ठा कर लिया, अब देखते हैं दो साइन आ गया, दो साइन हो, दो कॉस हो, एक साइन हो, पहला बाद में कॉस आए, पहले कॉस बाद में साइन, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट इनटू सम डिफरेंस। तो हमने क्या किया, फार्मूले में सभी में टू टू हैं, देखें टू टू हैं, तो यहाँ पर टू नहीं था, टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फार्मूला बन गया टू साइन ए साइन बी, फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये फार्मूला लगा दिया हमने कॉस ए माइनस बी कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी, साइन 70 वैसे ही है, और ये साइन 30 हाफ हाफ 1 बाई 4 हो गया, ये कॉस 40 हो गया, कॉस 60 हो गया, साइन 70 कॉस 60 फिर हाफ होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट साइन 70 ब्रैकेट खोलो, इससे भी प्रोडक्ट होगा, इससे भी प्रोडक्ट होगा, अब देखते हैं अगेन इसमें फार्मूला बनता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 2 साइन ए कॉस बी, वही 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा हमारे पास, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, जब एक साइन और एक कॉस हो तो दोनों साइन होते हैं, पहले साइन हो तो प्लस, तो यहाँ देखो हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये एज इट इज़ है, 70 40 110 हो गया, 70 40 30 हो गया, हाफ साइन 70। अब साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है स्टूडेंट, और 110 को 180 माइनस 70 लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये इधर कट जाए, क्योंकि हमें तो सब हटा के न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है, तो 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का साइन रहेगा, साइन 70 फार्मूला किया हुआ आपने, ठीक है, ये आप रीज़न दे सकते हैं यहाँ पे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, बिकॉज ये करके है तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, साइन 70 आ गया, यहाँ 70 था 70। अब देखते हैं माइनस प्लस कट गया, 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 16, ये स्टूडेंट राइट हैंड आ गया, तो आपको बहुत इजीली ये भी समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन में ऐसा और करा के हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जनरल एग्जांपल है, एनसीईआरटी का नहीं है, अभी साइन 20 डिग्री 40 डिग्री 60 80 ये भी 3/16 है। अब यहाँ भी देखो प्रोडक्ट है, सम डिफरेंस में करना है, केवल हमें साइन 60 की वैल्यू नोन है, ये दोनों नहीं है, तो देखो इनको क्या करते हैं हम,
2 से मल्टीप्लाई बाहर 2 से डिवाइड, और ये साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 60, हमारे पास स्टूडेंट 1√3/2 होता है, और साइन 80। हमने क्या किया, साइन 60 की वैल्यू डाल दी, साइन 80 है, और 2 से प्रोडक्ट कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये स्टूडेंट जो हमारे पास रिजल्ट है, ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। आपको पता है 2 साइन ए साइन बी, जब दोनों साइन होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, कॉस और डिफरेंस, और ये बन जाएगा हमारे पास, और बी आगे अगर प्लस है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी रिजल्ट होगा। एंड देन यू अप्लाइड दिस फार्मूला स्टूडेंट, 2 साइन ए कॉस साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, देन रिजल्ट इज व्हाट, इट इज कॉस ए माइनस बी यानी 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री एंड √3/2 एंड साइन 80 एज इट इज। नाउ हियर कॉस 40 माइनस 20 मीन्स कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री स्टूडेंट एंड √3/2 एंड हियर साइन 80 डिग्री। नाउ √3/2 और 1/2 रिजल्ट √3/4 स्टूडेंट एंड कॉस 60 वी नो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हाफ, देन यूज कॉस 60 हियर, कॉस 20 डिग्री कॉस 60 हाफ रूट, ये बन जाएगा हमारे पास साइन 80 डिग्री। √3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 रिजल्ट इज 1/√3/4। नाउ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस साइन 80 इंटू दिस एंड दिस, नाउ साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस हाफ साइन 80 डिग्री। अब देखते हैं स्टूडेंट, फिर अगेन यू कैन यूज दिस फार्मूला साइन ए साइन बी, बट 2 इज नॉट हेयर, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 बोथ, नाउ साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस हाफ साइन 80 डिग्री स्टूडेंट √3/4 हाफ एंड 2 साइन ए कॉस बी। 2 अब देखो 2 साइन ए कॉस बी, वन इज साइन अदर इज कॉस, देन प्रोडक्ट कन्वर्ट इन टू सम एंड डिफरेंस एंड बोथ विल साइन। तो हमारे पास देखें यहाँ फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यूज दिस फार्मूला हियर, देन ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी 80 प्लस 20 एंड प्लस साइन ए माइनस बी 80 माइनस 20 माइनस हाफ साइन 80। नाउ √3/4 स्टूडेंट हाफ साइन 80 प्लस 20, साइन 80 प्लस 20 मीन्स साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री राइट माइनस हाफ साइन 80 डिग्री। नाउ √3/4 साइन 1/2 साइन 100 डिग्री साइन 60 स्टूडेंट क्या होता है √3/2 माइनस हाफ साइन 80 डिग्री। अब स्टूडेंट फिर ब्रेक करेंगे हम तो क्या आ जाएगा √3/4 हाफ इंटू साइन 100 हाफ इंटू दिस √3/4 माइनस हाफ इंटू साइन 80। अब 80 को हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको भी चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर दें, ठीक है किसी एक को चेंज कर सकते हैं। मानो 80 यहीं छोड़ दें हम, इसको चेंज करें 100 को, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 180 माइनस 80 क्या होता है रिजल्ट 100। एंड देन आपको पता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 180 मीन्स क्या लाइन है हॉरिजेंटल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नेवर चेंज, साइन रिमेंस द सेम एंड साइन आल्सो विल नॉट चेंज बिकॉज इट लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एज वेल एज कॉसेक बोथ आर पॉजिटिव। नाउ द रिजल्ट इज पॉजिटिव हेयर एंड √3/4 हाफ साइन 180 माइनस थीटा
इट बिकम्स साइन साइन 80 डिग्री प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस हाफ साइन 80 डिग्री. नाउ स्टूडेंट रिजल्ट इज व्हाट? बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ विल कैंसिल. रूट 3 अपॉन 4 इंटू रूट 3 अपॉन 4 रिजल्ट इज 3 अपॉन 16. दिस इज आंसर. एंड देखो राइट हैंड साइड ये आ गया. नाउ एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखें ये गिवन है क्वेश्चन. प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है. साइन 60 नोन है, रूट 3 बाई 2 ये दोनों रख दो, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड 2 साइन ए साइन बी ये फार्मूला लग गया. एक बार कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी. देखें कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी ये आ गया 20, ये 60. कॉस 60 पहला पता है हमें हाफ, एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दें इसको इससे कर दें स्टूडेंट. फिर हम देखते हैं फिर यहाँ पे फार्मूला लग सकता है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2 साइन ए कॉस बी ये होता है फार्मूला. साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी देन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी ये एज इट इज़ हो गया स्टूडेंट. ये 100 आ गया, ये 60 साइन 60 फिर पता है रूट 3 बाई 2 और ये हाफ ब्रैकेट खोल दिया ठीक है. दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस और ये एज इट इज़ है. अब 100 को हमने चेंज कर दिया 180 माइनस 80 मीन्स 100 साइन 180 माइनस थीटा अकॉर्डिंग दिस साइन थीटा होता है. प्लस माइनस कैंसिल इन दोनों का प्रोडक्ट 3 बाई 16. तो ये स्टूडेंट आ गया एक लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद ये जो है आपका टॉपिक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा. हाँ स्टूडेंट देखें ये लास्ट क्वेश्चन है. इसमें साइन ए साइन बी माइनस सी साइन बी साइन सी माइनस ए साइन सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है. अब देखो एक पहले मैंने स्केयर वाला फार्मूला समझाया था, उसके पहले मैं आपको बताऊँ ये ट्राइंगल में है. इन ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं. जो ट्रिग्नोमेट्री आपने प्रूव की तो ट्राइंगल के लिए किया है और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री ठीक है. पाई से लिखते हैं. अब देखो यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है तो आप लिख सकते हो पाई माइनस बी प्लस सी ठीक है. ये लिख देंगे तो स्टूडेंट यहाँ भी लिखेंगे हम एल एच एस हमने ले लिया. एल एच एस में साइन पाई माइनस बी प्लस सी फिर ये साइन बी माइनस सी है हमारे पास. यहाँ लिखेंगे हम पाई माइनस बी प्लस सी और यहाँ पे साइन बी माइनस सी. फिर बी को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बी निकालना हो तो पाई माइनस सी प्लस ए और यहाँ साइन सी माइनस ए. फिर स्टूडेंट सी को क्या लिखेंगे हम, साइन पाई माइनस सी को लिखना हो तो उधर ले जाके पाई माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. अब देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट ये पता है हमें कि हमारे पास साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. तो ये 180 माइनस थीटा ही तो है बी प्लस सी. पहला हमने क्या किया, ए को रिमूव किया, बी प्लस सी उधर गए पाई माइनस बी प्लस सी. तो ए की वैल्यू हमने प्लेस कर दी यहाँ पे. देखो ए की वैल्यू प्लेस की है, ऐसे बी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी. बी क्या हो जाएगा उधर जाके पाई माइनस ए प्लस सी ठीक है. ऐसे सी की वैल्यू प्लेस कर दी उधर जाके पाई माइनस ए प्लस बी. तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी. फिर ये साइन सी प्लस ए बन जाएगा 180 माइनस थीटा और साइन सी माइनस ए. और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास साइन ए प्लस बी उधर बन जाएगा साइन ए माइनस बी. तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी. याद है आपको साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी फार्मूला इससे पहले वीडियो में किया आपने. और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए. ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें जो रिजल्ट होगा हमारे पास साइन स्क्वायर बी प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस माइनस कट कर राइट हैंड साइड जीरो आ गया, प्रूव हो गया. तो ये जो है इसमें वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ लेकिन पहले स्क्वायर वाला एक लास्ट बता दिया स्टूडेंट. तो आई थिंक आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में कैसे जाते हैं और कैसे करते हैं. अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको जो देने जा रहा हूँ स्टूडेंट सी डी फार्मूला, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% क्वेश्चन में यूज़ होता है और बहुत ईजी है टिप्स पे. जैसे आज ये फार्मूले आपके टिप्स पे हो गए वो भी टिप्स पे हो जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप कर पाएंगे. तो स्टूडेंट इस तरह से ये वीडियो देखते रहें, आप अपने फ्रेंड्स को बताएं
और कोई भी दिक्कत हो तो आप, या आपको नए वीडियो चाहिए और कुछ भी कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या बेल आइकन पे जाकर वहाँ पर बटन दबा दें, आपके पास वीडियो जाते रहेंगे स्टूडेंट। और इस तरह से आप जो है जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना उत्साह बढ़ेगा और अच्छा काम होगा। कुछ और आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर जितना बेटर होगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।